अफसर मुर्दाबाद, 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 वार्ड अफसर मुर्दाबाद। सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम की हाल है मेरे शहर का, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अज 3 अगस्त 2022 ते पौने को एक वजन वाले ने बठिंडे की आवावस्ती तो तुम देख लो, सारिया भैं सब भरा हले तो यह बहुत थोड़े लोग ने, हाए हाए के नारे लग रहे। वक्फ बोर्ड की एक जगह उत्थे उन्हें खाली कराने के लिए डिपार्टमेंट वालों कल भी भरा आए थे, ऑफिसर्स आए थे, अज भी जड़े ने ऑफिसर्स आए ने। ये लोग ये कहते हैं भी असी ये जड़ा आ नहीं खाली करना, तो ये जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद सारे जने कर रहे, तुम ये देख लो एका जड़ा है इन्हों का जड़ा है वो आप सुनिए कि मसला की है। आओ जी सिंह, आओ सिंह सर खड़े रहो, आओ जी कौन कौन गल करेगा, आज आ जाओ यार, कोई जना आ जाओ, आ जाओ। मुर्दाबाद भी करनी है तो गल करने भी डरना है मेरे वीरे, चंगी नहीं गल, या तो आ जाओ जो बैठे हो तो गल करो, सिर्फ नंबर ना बनाइए भी असी बैठे हैं, ठीक है। हाँ जी भाई जी, ये मसला है एक मतलब जी गरीब लोगों की इतने घर परिवार जगह है, दुकाना है, रुजगार है, ठीक है। जिहड़ियां ये बिल्डिंगा बनिया उदों तां वक्फ बोर्ड के अफसरां ने पैसे लेके बिल्डिंगा बनवातियां, टैक्स वसूल कर रहे हैं, बिजली बिल ये लै रहे हैं, मीटर लगे हुए हैं, सारी चीज़ लोगों ने गरीब जो तुम देख रहे हो परिवार जिन्होंने पोचे ला के आपके घर बनाए है, तो अज यह घरें बड़ बड़ के उन्होंने तो पैसे वसूल करते हैं धक्के, उन्होंने कहते हैं दो 2000 दो 5000, नहीं तो असं थोड़ा नोटिस ला के जाने अज थो खाली करावे। एडा वा धक्का तुम ए देखो भी मजदूर परिवार है जेडे कि 2-2, 300-300 रुपये से जाके कोठिया च पोचे मारते, कितों दे देंगे। ये करीब किन्ने घर ने इतने? इतने जी सारा एरिया बठिंडे का जो तुम लाओ 70-75% वक्फ बोर्ड है। तुम ग्लासको बस्ती ला लो, अद्धी दीप सिंह नगर ला लो, अमरपुरा ला लो, चंसर बस्ती ला लो, जो भी ला लो, तुम सरकारी दायरे है जेडे वो भी अनलीगल इस हाउस है, वक्फ बोर्ड की जगह च है। जदों ये वक्फ बोर्ड में इन्होंने लाट लोगों लाट करती 90-90 साल दे लीव ते देती, तो अज इन्हों की हो गया, हुण इन्हों पैसे कट्ठे करन दी बनी हुई है। ये सिर्फ एक पंजाब सरकार की जिहड़ी लीह चली हुई है, कहिंदे असीं जमीना खाली करवाउणे आ, पंजाब सरकार और रजिस्ट्री दीआं जमीना है, और रजिस्ट्री दीआं पंजाब सरकार करा ले, जिन्हां दे धक्के नाल कब्जे करे, साडे धक्के नाल नहीं कब्जे करे, असीं मुल खरीदियां, बकायदा साडे कोल स्टाम है, क्योंकि जिस टाइम असीं खरीदते सी उदों भी तां कहिंदे सी स्टाम ड्यूटी असीं दित्ती हुई है, टैक्स असीं भर रहे हैं, बिजली बिल साडे लगे हुए आ, सीवर साडा सिस्टम लग्या होया है, टूटी के बिल असी भर रहे हैं, हरेक चीज असी दे रहे हैं सरकार नूं, फिर अनलीगल किस तरह होगी। तुसीं ये देखो वक्फ बोर्ड है 80% बठिंडे दा, जिहड़े मर्जी कोने तो स्टार्ट कर लो तुसीं, जे कोई 20-30% मतलब रजिस्ट्री की जगह है तो 80% बठिंडे दा, दाणा मंडी सारी, अनाज मंडी सारी वक्फ बोर्ड है। ये बिल्कुल नजायज़ धक्का है, अफसरां दा धक्का है, नवीं टीम आउंदी है, मूहरे हैल्पर रखे हुए इन्हां दे, जिहड़े पानी पिआउण ते उन्हां नूं इन्हां ने मोटरसाइकिल वाइक दित्ते हुए अफसरां ने, वो आउंदे आ घरां चों पैसे इकट्ठे करके ले जांदे आ। जे इक अद्धा बंदा किस बिना दे उत्ते पैसे इकट्ठे करके ले जांदे, उन्हां नूं कहिंदे तुहाडे नोट्स कढांगे, तुहाडे घर खाली करावांगे, जिवें धोबी आणा खाली कराया, धोबी आणा इक अलग चीज़ सी, वो मैटर इक अलग सीगा, क्योंकि उत्थे रोड पास होई वी सी, वो वाकई उन्हां दा कोई माड़ा मोटा मैटर होणा उस सिस्टम नाल दे हिसाब नाल, इत्थे इह दौका पा के इक दौका पा के लोगों तो पैसे वसूल रहे हैं। एक हैल्पर हैल्पर दे कोले की पहुंच है भी वह दुकाना ते आके उन्हां नूं मतलब धमकियां देवे, जां किसे दे घरे जाके धमकियां देवे, लेडीज कोले बच्चा कोले, कल नूं कोई जिन्हें वेखो तुसीं आपदे ऋणी च नहीं लाती, परिवार की सारी मेहनत करके पूंजी उहदे उत्ते मकान दे उत्ते लाती, अज उस नूं मतलब आपां घरों बेघर करदे, उह मरूगा उहदे कोले हल की है जी। देखो ये गल जिहड़ी इन्हां दी गल कीती है भी डिपार्टमेंट वालों पैसे उगराहे जाते इन देंस, ठीक है ना, भी उगरा यह कह जाता भी सू इन्ने पैसे दो 2000 दौ, कल भी जो इतने मेरी गल हुई तो यह होया भी कोई कहता सी 5000 रुपया लैके गया, कोई 10000 लैके जाते हैं, यह कह जाता भी नहीं तो जी असं तुहाडे ते कार्रवाई करांगे, ये समझ नहीं आती भी जो लीज़ तो देती चीज़ तो उस तो बाद भी इन लोगों के नाल इस तरह का व्यवहार क्यों, तुम देखो ये सारे लोग जड़े ने इतने तुम देख लो। हरिओम हरिओम जी नाल मैं भी गल करा, की होया की है, हाँ जी प्लीज हरिओम जी ब्रदर एक बारी थोड़ा जा दसो जी, ये जड़ा मसला है जी, देश दी पॉलिटिशन तो बाद साडे बहुत सारे लोग जेड़े पाकिस्तान च अपनी जायदादा छड़े आए सी, जेड़े लोग बेघर सी, जो इत्थे जायदादा रह गईयां सी उन्हां ते वस गए, साडियां जिहड़ियां पाकिस्तान दे अंदर जायदादा चलियां गईयां उन्हां दे उत्थों दे गरीब लोग बस गए,
हूँ इन्ह ने एक वाकफ बोर्ड के अफसर ने पुलिस अधिकारियों लैके कुछ घर के अंदर वड़ गए, उन्होंने समान चक चक के ट्रालिया च भरन लग गए, कोई किधरे कोर्ट का हवाला देंदे है। 11,000 परिवारों के विच एक दहशत का माहौल है। जिस जगह पर आप इत्थे खड़े हैं तुसी इत्थे 2 किलोमीटर पिछों शुरू कर दो ते इत्थों 7 किलोमीटर अगे चले जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज तक, तुहानू पूरा एरिया जिहड़ा उन्हां गरीब लोगों का मिलेगा जिहड़े दलित परिवार नाल सहमत संबंधित है, उन्हां जनरल कैटेगरी के लोगों का मिलेगा जिहड़े हैंड टू माउथ है जिन्हां ने रुजगार कर करके 30-40 साल के इत्थे आपदे घर बनाए है, उन्हां कोले सीवर मिलिया वे बिल है, उन्हां कोल बिजली दे बिल है, उन्हां कोल राशन कार्ड बने हैं, उन्हां कोल वोटर कार्ड बने हैं, सरकार ने सारियां सहूलतां दित्तियां वी हैं, कमेटी दे विच उन्हां दा नंबर लग्या वे, हाउस टैक्स वो भरदे है। अचानक तुसीं आके 11,000 परिवारां दे विच कुछ परिवारां नूं या सारे परिवारां नूं ये कहो भी सब दा नंबर आएगा, इट्स बैड, इट्स वर्स, ये बहुत बुरा है। इस पूरे हिंदुस्तान की समस्या, प्रशासन नूं ध्यान देना चाहिए। इत्थे ये जो हालात बने हुए है, लोग पैनिक है, अफसर मुठ्ठी भर है, सफ़र करन वाले इकट्ठे होने वाले एजिटेशन करन वाले यूनाइटेड होने वाले 50,000 तो वध है, ला एंड ऑर्डर की पोजिशन खराब होएगी। और जिहड़ियां ये कंस्ट्रक्शन हुई हैं अगर सरकार इहदा कोई पक्का हल कढे, फॉर एग्जाम्पल पिछली पंजाब सरकार ने जिन्नियां शामलाट दियां जमीनां सी साडे शहर दे विच सबूत पए है, डीसी बठिंडा वो सबूत देख सकते हैं क्योंकि ये सब तो वध खप है जिहड़ी ये बठिंडा शहर च ही पै रही है, बठिंडा जिले च ही पै रही है। क्यों पै रही है? ये देखण योग ये है गल कि जिहड़े साडे डीसी साहब है ये सीओ वक्फ बोर्ड भी पहला रहे हैं, ये हुण बतौर जदों दे बठिंडा ये आए है वक्फ बोर्ड के अफसर इन्हां दे टच च है, वो जिस तरह की नीचों की कोई मिसगाइडड फीडबैक दे रहे है वो हिसाब के नाल मैनू लगता भी कोई एक्ट कर रहे है भी लोगों नूं आपां खाली कराओ मकान, जो कि पॉसीबल नहीं है ग्रास रूट लेवल ते किवें पॉसीबल होएगा। देखो तुसीं कहने भी 11,000 परिवार जी, ये एरिया बहुत वड्डा 10 किलोमीटर की तुसीं गणाता भी 10 किलोमीटर के रेंज के लोग रहिंदे है जी, ये खाली करा के की करना चाहते? कुल मिला के है जी खाली ये करा नहीं सकते, आपां इन्हां दी सोच, मैं तुहानूं ये बेनती करना चाहना खाली ये करा नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ शरारती अफसर है जिहड़ी कि सरकार की सरमाएदारा तो अरबपतियां तो जो जमीन खाली कराने का प्रोसैस चल रहा है ये उहदे विच ही एक नवा टॉपिक छेड़ के सरकार के विरुद्ध कुर्सियां ते बह के मैनू जापदा साजिश रच रही है, जिवें पाकिस्तान के अंदर आर्मी साजिश रचती सी डेमोक्रेटिक सरकार नूं गिराने दे लई, या जिवें श्रीलंका दे विच जां होर जगह के उत्ते पलटे वजे है, ये कहीं ना कहीं भगवंत मान जी नूं इसते ग्रासरूट लैवल ते पंजाब दी सारी फीडबैक लैनी पएगी। बठिंडे क्यों हो रहा है इस दे उत्ते भी उन्हां नूं गौर करना पएगा, अजिहे अफसरां नूं अधिकारियां नूं उन्हां नूं नकेल पानी पएगी, क्योंकि तुसीं देखो सप्प किड्डा खतरनाक हुंदा जदों उहदे चिड़ी दे घरोंदे च वड़दा है, डिस्कवरी चैनल ते देख लैण जे अधिकारियां नूं मेरी गल ते कोई शक होवे, जदों उह अंडियां नूं जां घोंसले नूं पैंदा है तां इक चिड़ी भी मरता जांदी है पर उहदा मुकाबला करदी है। ये जिहड़े वक्फ बोर्ड दे नौजवान बच्चे है ये जिहड़े नवें रिक्रूट होए इत्थे इन्हां नूं इत्थों दा सिस्टम नहीं पता, ये अफसरां दे बहकावे च आ के एक अपने आप नूं आदर्शवादी अफसर बनन दे चक्कर दे विच जिहड़ा फील्ड च जा रहे है। मैं वक्फ बोर्ड दे विच रहण वाले सारे लोगों नूं बेनती करांगा कि आपां अग्रैसिव नहीं होना, आपां कोई कानून अपने हाथ च नहीं लैणा, आपां अफसरां नूं कल नूं मिलना शुरू करांगे, आपां पूरा मीडिया की मदद लवांगे, पीसफुल तरीके दे नाल इस प्रॉब्लम नूं हैंडल करांगे। ये अपने ते कोई पहली बार मुसीबत नहीं आई, एक दो बारी पहला भी लोगों ने कोशिश की है। और एक मजेदार गल दस दिना, जदों असी वक्फ बोर्ड के कोले जाने इन्हां अधिकारियों कहने भी आ फलानी जगह खाली पई है तुसी अपने रिकॉर्ड चैक करो कि तुहाडे कोल बोलदी है, ये कहिंदे बोलदी है, जे असी कह दईए इत्थे पार्क बनाना है तो साढ़े तो वह किराया मंगते है, इहदी एक एग्जाम्पल नगर निगम ने पिछे लीज ते करा के पार्क बनाया, नगर निगम नूं तां लखां रुपए रेंट के उत्ते इन्हां ने वह जगह दित्ती है, तो जिहड़ा पाले खान वक्फ बोर्ड के दो मैंबरां दा रिश्तेदार सी उहनूं सिर्फ 1800 रुपए तो लैके 2400 रुपए महीना किराए ते दित्ती सी, उहने उत्थे प्लाट कट्टे, प्लाट विके, दलित परिवारां दे लोग उत्थे फसे, जदों सीओ सीगे फरीद अपने अज दे डीसी शौकत अहमद पारे जी, मैं इन्हां नूं पटियाला जाके मिलिया, इन्हां नूं बेनती कीती
कि उत्थे वक्फ बोर्ड की जगह के उत्ते अपना बोर्ड लगाओ ते इत्थों दे लोकल अधिकारियों का मैं उत्थों वापस आ रहा सी रस्ते च मैनू फोन आ गया कहिंदे जी असीं एक बारी बोर्ड ला के फोटो खिच के तुहानू पा दिंदे आ फिर असीं बोर्ड चक के लै जांगे। मैं क्या क्यों बई इस तरह क्यों करोंगे तुहाडी 60% जिहड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी है वह तो तुसीं कब्जा कराता वह तो बचा लो जिहड़ी 40 रह गई। कहिंदे जी बोर्ड चोरी हो जाएगा अज तक वह बोर्ड चोरी होया हुण उत्थे कोई बंदा फस नहीं रहा इन्हां दे आपदे बंदे ही सेल करदे सी गरीब लोगों नूं आपदी कह के फसांदे सी मकान पवांदे सी फसिया कौन जिन्हां ने मकान पाए। तुहानूं मैं कल नूं उत्थे विजिट कराऊंगा जिहड़े आदमी मूहरे माइक लैके जाओगे दलित परिवार का निकलेगा तो जिहड़ी उन्हें पूंजी लाई होएगी वह जिन्नी उम्र उन्हें कमाई की जो नूं धी दे जेवर सी सारे गिरवी रख के ब्याज ते चक के वह पैसे उत्थे लाए हुए है जिहड़े खा गए वह वड्डे अफसर बन के चंडीगढ़ बह गए आ नवे बच्चे उरे भेजते ये पढ़े लिखे है ये किताब कानून की चक लेंदे है इन्हों नहीं पता भी इतने जिहड़ा जहर वक्फ बोर्ड के लोग बीज के गए है कोई बिल्डिंग का सर्वे करो 50,000 रुपये तो घट छत नहीं पवाई वक्फ बोर्ड वाले ने किन्ने पैसे कमा गए होंगे इन्हों जो तुम फरोलन लग जाओ तो मैं ए लगता भी राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री नालों वध जायदाद मिलू इन्हों को और अज भी पोजिशन की है पैनिक क्रिएट हो गया तुम ए करो एवं जाके किसी गली च वड़ जाओ किसी बंदे मकान को खड़ जाओ वक्फ बोर्ड के भावें तुम हैं कि नहीं है दो बंद तो वह बंदे लुट के लै गए जेडे वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर रेंदे है इन्हों दे पहला विचोले भी सके मुखबरिया करते लुट के लै गए 1.5-1.5 लाख रुपया कई तो यह बहुत भयानक सीन बनेगा नॉट इन ओनली बठिंडा इन ऑल ओवर पंजाब क्योंकि अफसर ने ही यह सारा गंदगी फैलाई है तो यह प्रशासन नू सरकार नू इहदी कमेटी बना के इहदा हल कढ़ना पएगा इन्हां लोकां नू मालक बनाना पएगा हाउस टैक्स असीं दिंदे आ इस तरह का कोई प्रोविजन निकल आएगी। मैं यह गल कल भी कीती सी भी जिस तरह इन्ने लोग ने इन्ना घर वसे हुए ने तो एक राह जिहड़ा कढ़िया जाए वह सेंटर वाला कढ़िया जाए भी इन्हां दा नुकसान भी ना हो जिहड़ा सपोज आप कहने भी वक्फ बोर्ड की जिहड़ी कोई जगह किसी ने धक्के नाल नपी हुई है जिहदे कोल डॉक्यूमेंट्स है नहीं उहदे ते तां चलो जो थोड़ी बहुत कार्रवाई बनती है वह हो पर जिहड़े लोग हुण अपने घर वसा चुके ने जिहड़े लोग लीज़ ते पहलां लै चुके ने जिहड़े लोग रिश्वतां दे के है ना वह पा चुके उहदा की हल होएगा। तुसीं वेखो जिस तरह हरिओम जी ने गल की भी 10 किलोमीटर का एरिया करीब करीब यह सारा वक्फ बोर्ड का इस करके बेनती है भी इन्ने घरां नूं ना उजाड़िया जाए कोशिश की जाए कि लॉ एंड ऑर्डर है जिहड़ा मेनटेन रखा जाए पर किसी का कोई नुकसान है जिहड़ा वह ना हो यही मेरी बेनती है। साढ़े कोले ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है एक प्रॉपर्टी 3000 गज है उतों का जड़ा डीसी रेट ला लो या आप तहसील का रेट ला लो 50,000 रुपये गज मान लो करोड़ों चौदी जायदाद बनी वैल्यू बनी पर सोशल वेलफेयर लिए उ 25,000 रुपये साल रेंट से वह प्रॉपर्टी 30 साल दिती हुई है जेड़े गरीब लोग 100 गज 50 गज 70 गज 200 गज बैठे है कोई सोशल वेलफेयर का काम 1000 गज चल रहा है सोशल वेलफेयर का काम कि इन्हां रहण वाले लोगों नू सोशल वेलफेयर स्कीम के अंदर लैके कोई साल का 400-500 रुपया हाउस टैक्स की तरह टैक्स लगा के कि गौरमेंट आपका उसी जगह च उन्हां पैसों नाल ही वक्फ की प्रॉपर्टी रूरल एरिया च नहीं बना सकती है। पर जदों तुसी सवेरे स्टिंग करो एक वक्फ बोर्ड को 100 गज जगह लैन जाओ मैं तुहानू 3000 गज जगह 50,000 रुपये गज वाली सोशल वेलफेयर कैटेगरी दे विच 25,000 रुपये साल से जिहड़ी दित्ती है मैं प्रूव करूँगा बठिंडे च ही है अफसर की कंसेंट सी तुसी 100 गज का स्टिंग ऑपरेशन करो तुहाडे तो किन्ने पैसे एडवांस मंगणगे ये तुहानू क्लीयर हो जूगा किन्ने रुपए महीना मंगणगे रेंट ये भी क्लीयर हो जू क्योंकि मैं भुगत भोगी हाँ मैं आप जाके आया होया। हरिओम जी जिहड़ी गल तुसी डॉक्यूमेंट्स की की ये मेरा वादा सारिआं दे नाल जिहड़े इन्हां कोल डॉक्यूमेंट्स ने जिहड़ियां ये गल करदे ने कि मैं आ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा तो मैं अपने कैमरे के माध्यम राही कल या परसों तुसी अपना सारा डाटा तैयार कर लो जी मेरा वादा तुहानू असी उस लोकेशन ते भी बुलावांगे जिथे तुसी आप ये कहोगे कि यार जिहड़े बंदे अच्छा होर है
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਦਾਦਾ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਾ ਖੱਲ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਘੇਰ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਠੌੜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੈਂਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮਿਲੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਛਡਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਗੈਸ ਛੱਡੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੀਓਮ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।